दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको ऐसे से टनाटन वीडियोस देते आएंगे। अब देखिए दोस्तों ट्रिक, देखिए मशहूर तरीका है जैसे पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है, जो बेस्ट ट्रिक्स है मैं आपको वही बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए लूडो हमने निकाल लिया। अब लूडो के आपको पहले तो देखिए कुछ जनरल रूल होते हैं जो हर व्यक्ति जानता है, उसके बाद जीतने का जो तरीका होता है दोस्तों उसको हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके पास, कैसे आपको अपना जो चाल है वो चलनी है और किन बातों का अक्सर ध्यान रखना है। तो उससे पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप कुछ जनरल रूल्स के बारे में पढ़ लें, फिर मैं आपको इस लूडो के माध्यम से, ये हमारा बोर्ड है डैशबोर्ड लूडो का, इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे गोटियों का करना है। तो चलो दोस्तों पहले आपको बता देता हूँ मैं, फिर आपको जनरल रूल्स के बारे में कुछ मैं बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हो और आवाज़ ना सुन रहे हो तो आप ये कुछ समझ में नहीं है, इसलिए आप इस आवाज़ को सुनने के लिए दोस्तों हेडफोन्स का प्रयोग करें या मोबाइल की स्पीकर तेज करके ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जो मैं आपको बताने आ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरा ये लिखा हुआ यू, ये मैं हूँ इस जगह। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले जैसे लूडो गेम स्टार्ट होता है, सबसे पहले नंबर की पॉइंट की बात याद रखने की ये है दोस्तों, जैसे ही आपका लूडो गेम स्टार्ट हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले आपकी जो भी गोटी है वो दोस्तों सिक्स पर खुलती है, सिक्स आने पर खुलती है, फिर आपको एक चांस मिलती है आगे चलने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपकी गोटी मान लीजिए सिक्स आ गया, आपका सिक्स आ गया और आपने अपनी गोटी यहाँ से स्टार्ट करी अपनी गोटी चलाना आगे के लिए। तो दोस्तों पहला सिक्स आएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों सभी लोग अपनी गोटी खोलेंगे। जो सेकंड आपका कंपोनेंट होगा, जो यानी कंप्यूटर अपोनेंट सॉरी, जो वो भी आप सिक्स आएगा तो गोटी खोलेगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ तक बढ़े अपनी गोटी लेके और फिर आप मान लीजिए आपका फिर एक सिक्स आ गया, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि दोस्तों दूसरी गोटी ना खोलते हुए इसी गोटी को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि जल्दी से हम ये पूरा एरिया यहाँ जाके कवर कर लेंगे और अपने घर में एंट्री कर लेंगे। दोस्तों ये गलत तरीका है, क्योंकि मैं आपको इसका ड्रॉबैक ये बताता हूँ। मान लीजिए आपने अपने सिक्स को यहाँ से लेके यहाँ तक वेस्ट कर दिया, आपने दूसरी गोटी नहीं खोली और धीरे धीरे आप यहाँ तक जब जाओगे दोस्तों उसकी यहाँ एक गोटी ऑलरेडी खुली होगी आपकी विरोधी पार्टी की, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर कैसे भी करके आपको मार देगी, जिससे कि आपको नुकसान हो जाएगा, आपका जो सिक्स है वो वेस्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि लूडो में जितने भी आप दोस्तों स्टार्टिंग में आपके जितने भी सिक्स आएंगे, यानी कि स्टार्टिंग में आपके जितने भी सिक्स आएंगे उस पर आपको हमेशा गोटी खोलनी ही खोलनी है। पहली गोटी सिक्स पर निकालनी है, दूसरी भी सिक्स पर निकालनी है, तीसरी भी जितनी जल्दी हो सके दोस्तों आपको स्टार्टिंग में अपनी गोटी खोल के रखनी है। पहला तो आपका तरीका ये है, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, दूसरी बात क्या है दोस्तों। देखिए जो ऑनलाइन आपके गेम होते हैं लूडो वगैरह होते हैं, तो उसमें जैसे क्या होता है, मान लीजिए मैं एक पॉइंट चुनता हूँ, ये मैंने पॉइंट चुना, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे ये कंप्यूटर की गोटी खुली हुई है ठीक है, रखी हुई है, और मैं यहाँ से यानी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लेके यहाँ आया, अब यहाँ अटक गया। मान लीजिए कंप्यूटर की गोटी से एक पहले इस पॉइंट पे मैं हूँ और जो मेरी एक गोटी यहाँ मान लो खुली हुई है, ठीक है, यहाँ खुली हुई धरी है। अब क्या हुआ, मान लो मेरे आए चार आया डाइस में, क्या दोस्तों आया चार आया, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस गोटी को ना चलाते हुए इस गोटी को चार चला देते हैं, ये गोटी यहाँ आ जाती है, यहाँ इस वाली गोटी को चला देते हैं दोस्तों, यहाँ आ जाती चार अनवे। जबकि दोस्तों गलत तरीका है, क्योंकि जो ऑनलाइन आपके गेम होते हैं उनमें उन कंप्यूटर यानी हमारा जो डाइस होता है, जो आपने यहाँ पे हम बटन दबाते हैं और डाइस पे जो नंबर आता है वो कंप्यूटर इस हिसाब से सेट करता है कि दोस्तों कि जब तक गोटी मरेंगी नहीं दोस्तों तो कैसे मजा आएगा गेम में। तो यानी कंप्यूटर को ये लगता है कि स्टार्टिंग में कंप्यूटर क्या करता है, जो गोटी होती है उसे दोस्तों मोस्टली ऐसे नंबर फेंकता है जिससे जो गोटी सामने वाली वो मर जाए। तो आपको स्टार्टिंग में इस चीज़ को अवॉइड करना है कि जितना कम से कम हो सके किसी विरोधी पार्टी की गोटी के सामने अपनी गोटी लाएं। जैसे कि मान लो यहाँ चार आया तो आपको चार यहाँ वाला नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर की गोटी पीछे बैठी हुई है, आपको चार ये वाली गोटी ही बढ़ानी पड़ेगी अगर आप जीतना चाहते हैं तो। तब दूसरी बात ये रखनी है आपको, जितना कम से कम हो सके स्टार्टिंग के समय अपनी गोटी को अपने विरोधी पार्टी की गोटी के सामने बिल्कुल भी ना लाएं। अगर आप पर ऑप्शन नहीं है तब लाएं, नहीं तो अदरवाइज कोई दूसरी गोटी अगर आपकी कहीं और बैठी हुई है, यहाँ बैठी हुई तो उसको चलाएं, ना कि इसे चलाएं। तो दूसरी दोस्तों ये बात मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी बात के बारे में, आपको अपनी आपकी एक गोटी खुली स्टार्टिंग में,
फिर दूसरी खुली स्टार्टिंग में, तब तक मान लीजिए चल के यहाँ तक आ गई, ठीक है, आपका जो विरोधी पार्टी है वो भी अपनी गोटी चला रहा लगातार खोलते हुए, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जैसे कि ये मान लीजिए आपकी पहली गोटी, मैं बता रहा हूँ पहली गोटी आपकी, मान लीजिए आपकी यहाँ तीन गोटी हैं, कितनी गोटी हैं दोस्तों, तीन गोटी यहाँ पर, मैं सही से बना देता हूँ एक बार, तीन गोटियाँ खुली धरी हुई हैं आपकी। अब आपने पहली गोटी गई और यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। अब दूसरी गोटी क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए आपका तो दूसरी गोटी को दोस्तों तुरंत चला दें। अब जो नंबर आए, मान लो आपने तीन चार बारी तक इस गोटी को चलाया, चार बारी तक इस गोटी को चलाया, और चार बारी तक चलाने के बाद दोस्तों जो पांचवीं बारी होगी तो दोस्तों इसे और आगे ना बढ़ाएं, तब तक इस वाली में से एक गोटी को आगे ले जाएं, ठीक है, और आगे ले जाएं, और तब तक ले जाएं जब तक ये किसी स्टॉप पे यानी इस वाले स्टार पे या इस वाले स्टार पे सेफ जगह से ना बैठ जाए, ठीक है। फिर दोस्तों जैसे अगर आपकी ये गोटी सेटल हो जाए बैठने के लिए, फिर दोस्तों जो अगली गोटी है, यानी कि कहने मतलब मेरा ये है, कुल मिला के शॉर्ट में कहूँ तो दोस्तों हर एक स्टार पर एक एक गोटी अपने बैठा लीजिए, अपनी गोटियों को इकट्ठा ना कीजिए। उससे दोस्तों दो फायदे होते हैं, पहला फायदा तो ये होता है आपको कि आपकी गोटी की जितनी ज़्यादा लोकेशन रहेंगी उतना ज़्यादा आपको, अगर कभी आप गोटी मुश्किल में फंस जाती है, जैसे हम चला नहीं सकते, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मेरी गोटी बैठी हुई है और यहाँ मेरे विरोधी पार्टी की गोटी है, तो अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा तो ये वाली जरूर इसे मार देगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो इधर इस साइड गोटी या इस साइड कोई गोटी एक्स्ट्रा डली हुई तो मैं ये चलाऊंगा। अगर दोस्तों आप सबको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लो, मान लो मैंने इसी पॉइंट पे सारी गोटी इकट्ठी कर ली, तो अब मेरा कोई भी नंबर आएगा तो मुझे इसी पॉइंट से चलानी पड़ेगी, और पीछे मेरी विरोधी पार्टी गोटी तो वो उसे मार देगी। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि सारी गोटियों की लोकेशन अलग अलग होनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके, आप सारी गोटियों को इकट्ठा ना रखें, सारी कोई गोटी यहाँ है तो एक गोटी यहाँ रखिए, एक गोटी यहाँ रखिए, एक गोटी यहाँ कहीं रखिए, एक ऐसे और ऐसे ऐसे चलाइए कि कहीं आपके पीछे विरोधी जो गोटी है वो दूर दूर तक ना हो, तो ऐसे करके फैलानी पड़ती है। लोग क्या करते हैं, अपनी गोटियों को किसी एक पॉइंट पर या यहाँ इकट्ठा कर लिया इस वाले स्टार पर या इस वाले स्टार पर तीनों गोटी ले आए, कैसे करके, तो अपनी गोटियों को अलग अलग रखना है। और दूसरी दोस्तों चौथी बात मैं आपको बताऊँ, चौथी बात अपनी गोटी को डबल करने से हमेशा बचें। जैसे कि मान लो आपकी यहाँ गोटी आ गई, ठीक है, और आपकी दूसरी गोटी भी चल के आ रही है, तो ऐसा ना करें कि इन दोनों को डबल करें, हो सके तो कहीं और कोई गोटी हो तो उसे चलाएं, क्योंकि डबल करने का घाटा दोस्तों ये होता है गोटियों को कि मान लीजिए जब तक आपने डबल कर पाई उसके पीछे कोई विरोधी गोटी आ गई, जब भी आप उस डबल को तोड़ेंगे या खोलेंगे तो दोस्तों दोनों गोटी के मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और दोनों के नहीं तो दोस्तों एक ना एक तो पक्की मरनी, क्योंकि जो विरोधी पार्टी से दोस्तों आराम से अवसर मिल जाते हैं, यानी कि दो ऐसी पॉसिबिलिटी मिल जाती है जिनपे आपकी गोटी मर जाएगी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम कुछ जनरल बातों के बारे में, ये मेजर बातें थी जो आपको दोस्तों करनी है, अब मैं थोड़ा तरीका बताऊंगा इसके बाद कि कैसे आपको थोड़ा सा हिंट और दूँ। हाँ तो दोस्तों क्या क्या जनरल रूल्स कुछ हैं मैं आपको बता दूँ, जनरल सब जानते होंगे, छः आने पर सबसे पहले गोटी खोलें, जितना हो सके दोस्तों उतनी गोटी खोलनी है आपको छः आने पर, स्टार्टिंग में ही जितनी ज़्यादा खोल लेंगे उतना ज़्यादा आपका गेम विन करने के चांस बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों सेकंड बात करते हैं, अपनी गोटी को दूसरे की गोटी के सामने लाने से बचें। दोस्तों जितना हो सके स्टार्टिंग में अपनी गोटी को दूसरे की गोटी के सामने आने से लाने से बचें, क्योंकि कंप्यूटर अक्सर ऐसे नंबर देता है स्टार्टिंग में जिनसे आपकी गोटी मर जाएगी, तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अगला दोस्तों अपनी गोटी को एक जगह इकट्ठा ना करें, आपको ये बचना है कि आपकी जो सारी गोटियों की लोकेशन है वो एक जगह ना हो, सब दूर दूर हों आपकी, तो ऐसा आपको माहौल बनाना जिससे कि आपको आसानी होगी जीतने में। चौथी बात दोस्तों अपनी गोटी को छः आने पर दूसरे की गोटी के सामने से भगाएं। मान लीजिए दोस्तों आपका पहले आपकी मान लीजिए किसी स्टार पर आपकी विरोधी पार्टी गोटी खड़ी है, उसके पीछे आपकी गोटी खड़ी हुई है, ठीक है, तो अपनी गोटी को तभी निकालें जब आपका सिक्स आ जाए, तब जब तक सिक्स नहीं आ जाए तब तक दूसरी गोटियों को चलाएं अगर संभव हो तो, जैसे सिक्स आ जाए तो जो आपकी गोटी उसे भगाएं, क्योंकि सिक्स पर हमेशा दो चांस मिल जाती हैं, तो वो गोटी काफ़ी कदम दूर भाग जाएगी और मरने से बच जाएगी। अब दोस्तों पांचवी बात, अपनी गोटी ज़्यादातर सेफ स्टॉपेज पर रखने की कोशिश करें। दोस्तों कहीं पे भी आप गोटी लाएं तो जो स्टार का चिन्ह होता है जो हम कहते हैं सेफ स्टॉपेज, उस पर ही रखने की कोशिश करें, ठीक है। अगर सेफ स्टॉपेज पर नहीं आ रही है तो दोस्तों तो कम से कम उसे किसी ऐसे दूर स्थान पर ले आके रोकें जहाँ विरोधी पार्टी को पहुँचने में थोड़ा टाइम लगे, यानी विरोधी पार्टी गोटी को पहुँचने में थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बात आपको बता दी, अब इसके बाद मैं आपको एक तरीका दिखा देता हूँ, छोटा सा रिव्यू कैसे आपको खेलना है।
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपको कैसे कैसे खेलना है। मान ली मैं हूँ, ठीक है, तो मेरी पहली गोटी मैंने चलाई, पहली गोटी ला के मैंने यहाँ इस स्टॉप पर बैठा दी, फिर मैं दूसरी गोटी ले गया और मैंने यहाँ पर बैठा दी, इस वाली को नहीं चला, पहली वाली को, दूसरी गोटी, एक गोटी मेरी यहीं रहेगी, यानी मेरी तीन गोटी खुली हुई है फिलहाल, ठीक है। अब इसके बाद मैं ऐसे सिस्टम, यानी पहली गोटी इस वाले पर लानी है आपको, दूसरी गोटी इस वाले पर लानी है लगभग, और तीसरी गोटी यहाँ रखे रहनी है। अगर आपको चार गोटी हो जाए तो दोस्तों चौथी वाली भी रख सकते हो, यानी दो गोटी यहाँ रख सकते हो आप, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जब तीन गोटी आपकी, एक यहाँ पर, एक यानी पहली गोटी यहाँ पर, दूसरी गोटी यहाँ पर और तीसरी गोटी यहाँ पर, ठीक है, या चौथी भी गोटी यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है बता दूँ, पहली गोटी यहाँ, पहली, दूसरी गोटी लगो यहाँ और तीसरी यहाँ। अब दोस्तों आपको ये पहली वाली इसी को चलना है, इसी को चलाते हुए यहाँ तक ले आना है, इस वाले कम यानी कंप्यूटर के स्थान तक, यहाँ आपका विरोधी पार्टी उसके स्थान तक ले आना, ठीक है। अब दोस्तों आपकी क्या करना, अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ तक लाने के बाद अब आपको ये वाली गोटी जो पहले नंबर की गोटी है हमारी, ये तभी आगे बढ़ानी है आपको, ठीक है, जब तक आपका लगभग सिक्स नहीं आया था। क्या नहीं आया था दोस्तों, सिक्स नहीं, क्योंकि सिक्स में आपको दो चांस मिल जाएंगे, और मान लीजिए एक बार हमारा, मान लीजिए मैं कहने वाला था तीन आया, ठीक है, एक बार छः आया और एक बार तीन आया, तो छः और तीन नौ, लगभग नौ खाने का मतलब होगा गोटी आपकी लगभग यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक पहुँच जाएगी, जो कि आपकी सेफ हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उस इसी को मान लीजिए तीन आया तो ये गोटी यहाँ आएगी और आपको बढ़ाओगे तो विरोधी पार्टी आपको जबरदस्ती मार देगी, ठीक है। अब जब तक दोस्तों सिक्स नहीं आया था तब तक इस गोटी को बढ़ाना है आपको।